सुमित्रा जी नंदवाला, हिमानी जी नंदवाला, मोनिका जी खटी, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व प्रधान साहब गुण सागर जी, कर्नावर साहब से निवेदन करूं मंच में बना रहे। बॉम्बे से विशेष हमारे शेरू भैया पूरी टीम के साथ में बना रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूं। राकेश जी प्रजापत ग्रुप की पूरी टीम का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे उप प्रधान साहब रामेश्वर जी देलवाड़ा से पूरी टीम के साथ में, हमारे देलवाड़ा सरपंच साहब मांगीलाल जी कटारिया साहब और पूरी टीम के साथ में तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे, एक बार जोरदार तालियों से। और मेरे जितने भी पार्षद नगर परिषद राजसमंद के बधाई रहे, आप सबका अभिनंदन। रामेश्वर जी अधीक्षक डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अशोक जी गहलोत साहब एवं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोटासा साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज हमारे नाथद्वारा की धरती पर अंदर और सेवाभावी आदमी को हमारा प्रत्याशी बनाया है, इसलिए हम समस्त कार्यकर्ता आज यहाँ से संकल्प लेकर जाते हैं। पार्टी के प्रत्याशी है तनसुख जी बोरा, उनको हम भारी मतों से विजय दिलाएंगे एवं आप यहाँ पर जो माता बहने कार्यकर्ता है वोटर नहीं है, आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को दी जाए। देश में और राजस्थान में जो भी योजना चल रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रही है, चाहे आप खाद्य सुरक्षा ले लो, चाहे पेंशन योजना ले लो, चाहे नरेगा योजना ले लो, चाहे अन्य योजना ले लो। मैं तो आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी आपको जागना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है। आज बेरोजगारी कितनी चरम पर है, जहाँ पर जाओ हर माँ बाप कहता है कि मेरा बच्चे को हिंदुस्तान जिंक में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, लेकिन लगा में काम सब इंडस्ट्री बेच दी, कहाँ लगाओ सरकारी कंपनियां कोई रही नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूरा निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो ईमानदार सेवाभावी प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है उसको भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजे ताकि राजसमंद का। ये थे हमारे डस्टर गाड़ी RJ30CA 5042, ये गाड़ी जिसकी भी हो रास्ते के अंदर पड़ी है वहां से तुरंत हटा ले। और इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में नगर परिषद राजसमंद के हमारे एडवोकेट सिमरन जी सिलावर से निवेदन करूं मंच के बाई ओर आकर खड़े हैं, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। आज राजसमंद उपचुनाव में विधानसभा पीसी सदस्य श्रीमान गुणसागर जी कन्नावर साहब, इंदिरा गांधी जी ने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया और जो पार्टी ने बनाई है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, महिला पुरुष तो बोलते हैं पर जानवरों के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने योजना, उनकी इलाज के लिए दवाई के लिए कांग्रेस पार्टी ने योजना बनाई। अंशुक जी को हाथ के निशान पर 17 तारीख को कोई भी काम है महीनों के, फिर आप आज
चाहिए, आपके कोई भी काम होगा 24 घंटे आपके बीच में तुम सुख जाएंगे। काका साहब आएंगे, डॉक्टर सीपी जोशी साहब आएंगे, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी की टीम आपके साथ आएगी। ये साहब हमारे बीच में जिलों की नगरी उदयपुर से बता रहे हैं, आपका भी कोटि कोटि अभिनंदन। परम आदरणीय युवराज जी चौधरी अभिनंदन। शेरू भैया से निवेदन करूं, बता रहे युवा नेतृत्व अजय जी गुजर साहब से निवेदन करूं अपने विचार। मैं देलवाड़ा से प्रधान बार कश्मीर फील्ड से निवेदन करूं, आप बता रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप तनसुख जी को हाथ पे वोट देके विजय बनावे और 17 तारीख को आप सब जरूर वोट देवे और हाथ पे वोट देके और कई साल में ये इनको वोट देके जितावे और फिर एहसास होगा आपको को कांग्रेस पार्टी कैसी है और नहीं है। मेरे को यह मालूम हुआ है कि कांग्रेस क्या है और क्या नहीं है। मैं भी जब प्रधान ना मेरा पहली बार मौका मिला है हमारे गाँव से और विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने कहा तेरे को प्रधान बनाएंगे तू संभालने की पंचायत। मैंने कहा जी सर मैं संभाल लूंगी। मैंने जब हमारे यहाँ इलेक्शन होने हमारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, मेरे ये नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा आप जब वोट देके विजय बनाओगे तो मैं आपका काम जो भी काम हुआ हम करेंगे, लेकिन आप इनको तनसुख जी को हाथ पे वोट देके विजय बनाया ये ढाई साल में आपका जो भी काम होंगे जरूर करेंगे। आप सुख कौन से इनको वोट देके विजय बनाओ। धन्यवाद। ये थे बहन देवड़ा प्रधान देवलाल जाट फियावड़ी पूरी टीम के साथ में जो बसे लेकर बता रहे कार्यकर्ता सभी का अभिनंदन। जोर से बोलेंगे अपन भारत माता की। मेरे साम मंच पर बैठे हुए मैं सभी को उनको देख रही हूँ। जब मैं 20 साल पहले यहाँ से जीत के जाती थी तब वो लोग आप लोगों के बल पर जीत करके जाती थी। पूर्व अध्यक्ष सभी मेहरबान, पूर्व विधायकगण, विधायकगण, प्रधान साहबान, सरपंच साहबान, सभी हमारे मेहमान, सभी साथीगण और सभी नेतागण, भारद्वाज जी उनकी टीम जो मैंने से विराजी हुई है, मैं पूर्व विधायकगण सभी लोगों से और सभी आप लोगों का बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों बाद मैं राजसमंद आई, कारण बहुत हैं, लेकिन पहले एक बात की थोड़ी सी मुझे मलाल जरूर हुआ जब मैंने अपना फोटो तक मैंने किसी पोस्टर पर नहीं देखा। हालांकि मैंने एक शेर लिखा था कि दीवारों पे चश्मा होने के हम नहीं कायल, दीवारों पे चश्मा होने के हम नहीं कायल, हम दिलों में राज करते हैं यही ख्वाहिश रखते हैं। और इसलिए राजसमंद पूरे जिले के दिल दिल में बसने वाले गिरजा व्यास आज आप सबको प्रणाम करती है। राम राम साहब। हम लोग हमेशा से यहाँ पर संसद, विधानसभा, प्रधान, जिला प्रमुख सब जीतते रहे और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था यह राजसमंद जिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आकर के जिले को तहस तहस कर दिया। मुझे याद है कि जब बंसीलाल जी गहलोत जी यहाँ पर विधायक थे और हमारे कर्णावर साहब यहाँ जैसे भी करता धरता थे, प्रधान थे, कोई भी कार्य जो होता था वो यहाँ पर पूरा नहीं हो, ये कभी हो ही नहीं सकता था। जैसे जो आके रहे वो कार्य पूरा हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बोलना चाहती थी भारद्वाज जी, क्योंकि उन्हें संभव था मालूम नहीं कि हमारी बहुत सारी योजनाएं जो हमारे समय पर उनके पूर्व काल में स्वीकृत थी, भाई साहब वो सब अपने को याद है, अध्यक्ष जी थे उस समय, वो सब योजनाएं भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही समाप्त कर दी गई, उन्हें वापस लागू करना है। गंगा जमुना के पानी को राजसमंद तक लाने का हमारा जिम्मा था। मुझे किसी नाम से यदि जानते थे, बहनों को कहना चाहती हूँ, नई उम्र की बहनें पुरानी भी बैठी है, मुझे पानी वाली भाई कहते थे यहाँ पर लोग, क्योंकि जब भी मैं जाती
तो मैंने कहा था औरतों के सिर से पानी के बेवड़े उतारने। मेरी बहन किरण जी यहाँ से विधायक बनी, हालांकि वो दूसरी पार्टी की थी, उन लेकिन उनसे आशा बंधी थी कि वो महिला है और महिला के इस कार्य को पूरा करेंगे। तो हमें पाली से लिफ्ट करके पानी लाना था। तुलसीलाल जी आप लोग, फिर भाटी साहब, पन्नावर साहब, मदन जी आप सब लोग फिर ठान लो कि हम लोगों को पानी लिफ्ट करके, हमारी योजना पड़ी हुई है केंद्र के पास, मैं याद दिला दूं, मुझे नए लोगों को याद नहीं है, आप लोगों को याद दिला दूं कि पानी लिफ्ट करके पाली से यहाँ पर सीधी तौर पर लाया जाए। केंद्र से हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम धरना देंगे, कुछ भी करेंगे, राज्य सरकार भेज दे तो उसको मंजूरी दिला के लाए। थोड़ा पानी उदयपुर से आ जाए, थोड़ा पानी कोटा से आ जाए, चंबल से थोड़ा पानी, हमारा जो योजनाएँ चल रही है उससे आ जाए, तो हम यहाँ की पूर्ति कर सकते हैं। इस जो जहाँ से पानी आता है, ये हमारा तालाब बढ़ता है, उस तालाब को, उस बांध को गहरा कर दिया जाए तो भी ठीक हो। आप लोगों ने एक मांग की थी, क्योंकि मैं सबको बता दूँ एक बात कि क्या राजसमंद ऐसा है जिसमें 5 प्रजातियाँ कह सकती हूँ मैं, ये शेड्यूल कास्ट सीट थी, तो शेड्यूल कास्ट बहुतायत में थे। एक उनकी समस्या है गरीबों की, दूसरी ये किसानों का क्षेत्र है और किसान भाई हमारे यहाँ पर बहुतायत में है, ये पशुपालन का क्षेत्र है, गुजर भाई हमारे यहाँ पर बहुतायत में है, ये मार्बल का क्षेत्र है और मार्बल व्यापारी और मजदूर यहाँ पर बहुतायत में है, ये जेके का क्षेत्र है और यहाँ पर जेके टायर के मजदूर भी बहुतायत में, इन सब की योजनाएं मैं परेशान हो जाती थी जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, जब बंसीलाल जी, मुरसागर जी, भाटी जी, ये सभी लोग रोज किसी न किसी बहाने कोई न कोई योजना को लेकर के आते और हम उस योजना को पूरा करते थे। हम यहाँ पर किसानों के लिए कृषि केंद्र लेकर के आए, कृषि विज्ञान केंद्र, और उस दिन का खाना गुड़सागर जी के यहाँ पर खाया। हम लोग यहाँ पर कॉलेज लेकर के आए, कॉलेजेस आपको मालूम होगा, महिला कॉलेज भी, बच्चों का भी, पुरुषों का भी, स्कूलों की बहुतायत कर दी। पानी की केवल 2 योजनाएं, 2 जगह देना था हिंदुस्तान भर में, और हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, उस समय का अटल जी की सरकार थी, लेकिन उससे भी लड़ झगड़ करके 500 करोड़ रुपए मैं यहाँ की योजनाओं के लिए लाई, तो छोटी योजनाएं हमारे गाँव में जा सके। आज वो कहाँ पर है, जब पेयजल मंत्री बनी थी किरण जी, तो मैंने उनसे कहा था कि वो योजनाएं तो पूरी कर दो, तो पता लगा उस पानी को जो जो राजसमंद के लिए थी केवल, उसको अलग अलग जगह के लिए बांट दिया गया और पैसे को बिखेर दिया गया है। हमारे साथ इस तरह का धोखा भारतीय जनता पार्टी करती है। आज आपको जो हम लोग चुनाव के क्षेत्र में, चुनाव के कास्ट में, चुनाव के हमारे कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए तनसुख जी को लेकर के आए हैं, मैंने हमेशा उनको समाज सेवा के रूप में देखा। जब भी समाज सेवा की कोई बात होती, वो हमेशा हमारे बीच आया करते थे और हमसे बात किया करते थे। एक शालीन व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक व्यापारी और सबसे बड़ी बात एक समाज सेवी, और कांग्रेस के प्रति उनकी बहुत आस्था थी, इसीलिए वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। ऐसे व्यक्ति को आज हमने टिकट दिया है, और जो भी टिकट देने वाले ऊपर उन्होंने हमारी बात को सुना, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। ये चुनाव तनसुख जी नहीं लड़ रहे हैं, बोरा जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव राहुल जी लड़ रहे हैं, ये चुनाव अशोक जी लड़ रहे हैं, ये चुनाव सीपी साहब लड़ रहे हैं, ये चुनाव मैं लड़ रही हूँ, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति लड़ रहा है, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध न्याय का चुनाव। आज देश की जो हालत कर दी, वो आपसे हमसे छुपी हुई नहीं है। देश में किसान बैठा हुआ है, 5वां महीना उसको लग गया और उसकी कोई परवाह नहीं। किसानों का ऐसा कानून लेकर के आए हैं
कि किसान भाई सावधान हो जाए, मेरे सामने बैठे हैं, आपकी जमीनें चली जाएगी, आपके छोटे छोटे खेत चले जाएंगे, आपकी उपज चली जाएगी, न बेचने का अधिकार, न आपकी मंडियां और न आपको आपकी जमीन का अधिकार मिल पाएगा। इसलिए वो लड़ाई वो हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि जब वो खरीद भी करेंगे अपने बिचौलिए तो वो किस भाव से अनाज को बेचेंगे, ये आप और हम जानते हैं। क्या हम खरीदने की स्थिति में हैं? आज गरीबी सब पर छाई हुई है, हमारी कुछ समस्या है। मुंसाहिर जी, उन समस्याओं का आप जल वक्त भर और आप लोग एक टीम बना लीजिए, पुराने सभी लोग उनको याद हो मदन जी, और उस काम को महाराज जी के माध्यम से पूरा करें। मुझे याद है अभी हमारी मार्बल की बहुत बड़ी समस्या है, मार्बल कटर्स की बहुत बड़ी समस्या है, जो छोटा छोटा मिस्त्री का काम करते हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है, हमारी नहरों की समस्या है। अशोक जी ने पिछली बार जब वो सरकार में थे उन्होंने नहरों को दुरुस्त करवाया था, उन्होंने हमारी योजनाएं दी थी, लेकिन वो पानी की योजना सब समाप्त प्राय हो गई। मैं बिजली, बड़ी बिजली पाली से यहाँ पर खींच करके लाई थी, उसकी वजह से आपके यहाँ पर बिजली इतने खराब स्थिति में नहीं है। अब हमें और योजनाएं लानी है, टूरिज्म का क्षेत्र बनाना है, हमारे यहाँ पर यात्राओं की धरती है इसलिए उसका क्षेत्र बनाना है। ये धरती समाजवादी धरती है, ये धरती सभी को साथ लेकर के चलने वाली धरती है। जब मैं पहली बार, क्योंकि मैं तो पढ़ी भी यहीं पर हूँ, यहीं की बेटी हूँ, पहली क्लास से लेकर के दसवीं क्लास तक जो यहाँ से पढ़कर और अपना व्यक्तित्व तो गढ़ करके गई हो, उसको इस मिट्टी से कितना प्यार होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग तो यहाँ से मुझे खेत अमरी तक पहुँचाने वाला यहाँ की जमीन है, यहाँ की धरती है। मैं जब बच्चियों को बोलते हुए सुन रही थी तो मुझे खुशी हो रही थी कि कितनी बच्चियाँ अब आगे बढ़ने की स्थिति में। मैं उनका स्वागत करती हूँ, जो प्रधान बनी है उसका भी, जो बोली हमारी उसके भी, अध्यक्ष का भी और सामने बैठी हुई सभी महिलाओं का भी, कि हमें आगे बढ़ना है तो हमारे इन समस्याओं का सुलझाव हो, मार्बल की नई योजना बने, क्योंकि मार्बल केवल मार्बल व्यवसायियों के लिए नहीं है, हमारे मजदूरों के लिए भी है, इस बात को भी हम लोगों को देखना है। तो साथियों, सब बातों को याद रखते हुए हमें 2.5 साल में ही ये कार्य पूरा करके आगे की भी हमें स्थिति सुदृढ़ करनी पड़ेगी। फिर से हमारी सरकार आए और आज जो लोग रोटी रोटी को तरस गए हैं उन राज्यों की तुलना यदि राजस्थान राज्य से करें तो मैं शिव जी को हजारों हजारों धन्यवाद देती हूँ कि कोई भी भूखा इस राजस्थान में नहीं सोया। कोरोना से जिस तरह की लड़ाई हमारी सरकार ने लड़ी है और लड़ रही है वो तारीफ़ काबिल है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारे नेताओं को और हमारे सभी आप लोगों को कि आप लोग जिसमें ताकत है सब कुछ बदलने की, जिसने हमें सांस दिया, जिसने हमें हौसला दिया और जिसने हमें कुछ कर गुजरने की ताकत दी, वो आप फिर जागे बढ़े और फिर से कांग्रेस को लेकर के आकर के अपने राजसमंद का कांकरौली का विकास करें, इस सपना को पूरा करें, जो हमारे जीवित रहते हुए ये हमारा सपना पूरा करने का उत्तरदायी अब नई पीढ़ी पर है, तनसुख जी पर है और उनके साथियों पर है। मैं सभी साथी जो विराजमान हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी सीपी साहब से भी इसमें लंबी बात हुई थी और उनसे मैंने ये कहा था कि आप स्पीकर की तरफ बैठे जो योजनाएँ लाए उन्हें पूरा करवाने के लिए आप अड़ जाइए या आप में ताकत दे रखिए, तो आप सब लोग मिलकर के इस कार्य को संभालें। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के रखना इस राजसमंद को, तुम संभाल के। नमस्कार, उद्योगपति तनसुख जी बोरा साहब और पीसीसी सदस्य हरि सिंह जी राठौर साहब, ओबीसी जिला अध्यक्ष नाना लाल जी शार्दुल। नामांकन रैली ऐसा भाग बता रहे और आम सभा जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री
सम्मानित डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, पूर्व एमएलए परमार जी, पुष्पेंद्र जी हमारे बीच में है, प्रत्याशी तनसुख जी, प्रधान जी, महिला जिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता हमारे यूथ कांग्रेस के प्रभारी अरमान जैन जी, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव आचार्य जी, मेरे सामने बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जाबाज सिपाहियों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, कई वक्ताओं ने और हमारे पूर्व साथी मोहम्मद सिंह जी, जैसा कि सब ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। आज मोदी जी जो 70 साल में कांग्रेस ने किया था, आज रेल लाइन भेज दी, एयरलाइन भेज दी, आज किसान सड़कों पर है, किसान अन्नदाता है, उस किसान के पेट पर लात मारी है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी और हमारे कांग्रेस पार्टी राजस्थान सरकार अशोक गहलोत, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राजस्थान प्रभारी कांग्रेस पार्टी अजय जी माकन, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अशोक गहलोत कांग्रेस, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रभारी अजय जी माकन साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन जी और मैं पुष्पेंद्र जी भारद्वाज से निवेदन करूं मंच का संचालन। वीरों की धरा मेवाड़ के इस राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के अवसर पर परम सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अजय माखन जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, उदयलाल आंगना जी, आप सबका स्वागत है। प्रमोद जैन भाया जी, इतिहास गवाह है कि जब जब राज सत्ता पर या देश पर संकट की घड़ी आई है तो मेवाड़ की धरती ने शक्ति पुंज महाराणा प्रताप, भक्ति की बात आई तो मीराबाई का त्याग और बलिदान का वक्त आया तो मां पंडाधाई के रूप में, समर भूमि में भीलू राणा के रूप में, दानवीर के रूप में, भामाशाह के रूप में मेवाड़ ही नहीं दुनिया के इतिहास में एक मिसाल पेश की है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक भामाशाह सामाजिक कार्यकर्ता तनसुख बोरा जी को आज आप सबने आम जनता के दिलों पे मोहर लगा के टिकट दी है। इस मेवाड़ की धरा पर इस बार बदलाव लाने के लिए लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। इसका परिणाम आपने देखा, 25 साल बाद नगर परिषद की भी यहाँ सीट पूरे बहुमत के साथ हजारों वोटों से जीत दिला करके आम जनता ने आप सबके चरणों में दी है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष काका साहब और तनसुख बोरा जी को मैं निमंत्रित करता हूँ कि आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है और हमको माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सुनना है, माकन साहब को, सचिन पायलट जी को, गोविंद सिंह डोटासरा जी को सुनना है। अजय माकन साहब के स्वागत के लिए हमारे जिला परिषद सदस्य नेहरू अहिर जी और हमारे युवा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह जी तुरंत पधारे। हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के सम्मान के लिए हमारे यहाँ के नव निर्वाचित सभापति अशोक टाक जी और हमारे पूर्व प्रत्याशी हरि सिंह राठौड़ साहब पधारे। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं के आइकन सचिन पायलट जी साहब के स्वागत के लिए हमारे पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह जी
और हमारे युवा नेता भगवत सिंह गुर्जर जी पधारे। मेवाड़ की शान, यहाँ के मेवाड़ी सापा और एकलाई से स्वागत किया जा रहा है। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री उदयलाल अंगना जी का स्वागत करने के लिए हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष शांतिलाल कोठारी जी और सुंदर कुमाऊ जी पधारे। साथी भाई रमेश राठौड़ जैन साहब पधारे। राजसमंद की एक पहचान रही हमारी बड़ी बहन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा व्यास जी, जिनका आज भी कहीं जाते हैं तो लोग जिक्र करते हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आकर के अपनी बात को आगे रखे। दोस्तों, अनंतकन नंदनन प्रभु द्वारकाधीश हमारे आराध्य श्रीनाथ जी और हमारे चार बजरनाथ एकलिंगनाथ और मेवाड़ की शक्ति और भक्ति की इस परम धरा पर हमारे सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों का स्वागत, और हमारे इस सभा में विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रहलाद अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी AIC के हमारे सचिव, हमारे परमादरणीय महासचिव अजय जी माखन साहब, और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे शिक्षा मंत्री परमादरणीय डोडासरा साहब, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे मेवाड़ के लाल खेदे हमारे यशस्वी हमारे परमादरणीय सचिन जी पायलट साहब, हमारे खान मंत्री प्रमोद जी भैया साहब, और हमारे परमादरणीय इस जिले के प्रभारी भाई उदयलाल निशा अंजना साहब, और हमारे वो प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं, एक यशस्वी के दें, एक भामाशाह के दें, एक उद्योगपति के दें, एक धन प्रयाण व्यक्ति के दें, एक समाज सेवी, और हमारे परमादरणीय भाई हमारे बोरा साहब, और हमारे सम्मानित मंच, मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, माता और बहनों, दोस्तों, आज आप सब पधारे और आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप जिस प्रकार से हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का देश है और उसका अधिकार आज हमको ये सरपंच कौन चुनता है, हम चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, अब प्रधान कौन चुनता है, और हमारे प्रमुख MLA और मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन चुनता है, आप सभी जनता चुनती है। दोस्तों, इस चुनने का अधिकार, इस वोट का अधिकार हमको कांग्रेस पार्टी हमारे महात्मा गांधी ने दिया दोस्तों, इसी वजह से, और आज सभी के वजह से यह पूछने की व्यवस्था हो सकती है कि दोस्तों, हर व्यक्ति चाहे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठ हो, सबसे बड़ा हो, उसको एक वोट देने का अधिकार है, और यही कहते हैं कि आप सबको, आप मालिक, आप जनता, आपकी व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति केवल राजसमंद के अंदर भाषण देते साल तक वोट लेने का काम करते हैं, दोस्तों हमारे इसकी बताया कि हम राजसमंद फीलने का काम कर सकें, हमारे मेडिकल कॉलेज की बात कर सकें, हम अन्य विकास की बात करके सब गुमराह करने का काम किया दोस्तों, इसलिए आप सबसे निवेदन है, एक बार 2.5 साल के लिए आपके बीच में 2.5 साल का समय कांग्रेस पार्टी आदरणीय हमारे एसोसिएट हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ये चाहते हैं आप हमारे विकास के लिए व्यवस्था कर सकें, आप सबके सहयोग से आशीर्वाद से नगर परिषद बनाई, उसी के आधार पर आपको 351 करोड़ हमारे जैसे जी धारीवाल साहब UDH मंत्री आए थे, 351 करोड़ राशन शहर के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की, 12 करोड़ के लिए हमारे ऑडिटोरियम की व्यवस्था की, यही नहीं बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने का काम भी भाड़ा में किया, और सब जगह चौमुखी विकास के लिए काम किया। दोस्तों, एक बार आपसे निवेदन है, एक बार यदि हम राजसमंद के जिला के इसी माटी के रहने वाले हैं, ये माटी हमारी जन्मभूमि है, ये माटी आपसे मांगती विकास का मांगती है, ये नौजवान विकास का मांगती है, मेहरबानी करके 2.5 साल के लिए हमारे तंसू जी को वोट देकर कांग्रेस को जिता के साबित कर सके कि हम सब कांग्रेस के साथ हैं, विकास के साथ हैं। दोस्तों, ये नहीं कर पाए, आने वाली पीढ़ी हम सबको, मैं भी आपके साथ हूं, हम सबको दिखा रहेगी और कहेगी जब विकास जैसे जी मुख्यमंत्री विकास के लिए आपके साथ आए, इनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, मेहरबानी कर इस बार तंसू जी बोरा को जिता कर कहते मुख्यमंत्री जी हमने जिता दिया, विकास का काम आपके जिम्मे, आइए विकास करिए, यही आपसे निवेदन है, आप सब
पधारे। फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा क्योंकि हमारे माखन साहब और सचिन पायलट साहब की 5 बजे की फ्लाइट है, इसलिए हमारे संक्षिप्त में सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चुनाव सभा में पधारे हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, साथ में पधारे हुए हमारे मेहमान और प्रभारी महासचिव अजय जी माखन साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, श्रीमान सचिन पायलट साहब, हमारे डॉक्टर गिरजा व्यास, प्रमोद जैन भाया जी, आदरणीय देवकी नंदन काका श्री, सुदर्शन सिंह जी एमएलए साहब, अर्जुन जी बामनिया साहब, गणेश जी विधायक महोदय और मंच पर विराजमान सभी साथीगण, बहुत शॉर्ट बोल रहा हूँ बहुत शॉर्ट, और उपस्थित सभी आदरणीय इस कार्यक्रम में पधारे हुए साथियों, आज हम तनसुख जी बोरा को फार्म भराने के लिए सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और यह उत्साह उमंग बता रहा है कि निसंदेह राजसमंद के नतीजे कुछ अलग ही आएंगे। मैं तो राजसमंद के सभी साथियों से केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2.5 साल के लिए वोट मांग रहे हैं, ये बात मैंने तनसुख जी द्वारा आयोजित हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान भी कही थी और आज पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि 2.5 साल में अगर हम आपकी भावना के अनुसार खरा नहीं उतरे, काम नहीं करें तो आगे आप नकार देना, लेकिन इस बार मत चूकना। मैं चाहता हूँ कि बागेरी का नाका जिस प्रकार से बना, जिस प्रकार से चंबल का पानी भीलवाड़ा आया और वो आज भीम तक आया है, जिस प्रकार से पूरे मेवाड़ में 4 लाइन का जाल बिछा है, ऐसे अनोखे काम करना हो तो इस बार 2.5 साल के लिए कांग्रेस को वोट देना, नहीं तो बहुत पछताओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा वातावरण जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, जितनी बात डॉक्टर सीपी जोशी साहब मांग रखते हैं मुख्यमंत्री मब साहब, उसको किसी को नकारते ही नहीं, जो जब कुछ काम करना है वो करना है। केवल चाहे संवैधानिक पद पर हो डॉक्टर सीपी जोशी, सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से नहीं आ सकते हो, लेकिन उनका चिंतन अपने जिले के लिए और अपने मेवाड़ के लिए सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से ये 3 अनोखे काम जो मैंने बताए थे, जो होने सरीके नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब के सहयोग से ये सब हो पाए हैं और आगे भी जो आप कल्पना कर रहे हैं वो सब काम होगा। मैं तो तुलनात्मक बात आपको कहना चाहता हूँ कि 2018 से DMFT का फंड आया था, 5 साल के पूरे कार्यकाल में राजसमंद में 92 करोड़ DMFT का पैसा राजसमंद विधानसभा में लगा है और हमारे इस 2.5 साल के कार्यकाल में 130 करोड़ रुपए के काम DMFT के यहां घोषित कर दिए हैं और सरकार ने किए जो अलग है। और आपसे यह भी वादा कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से कि जो यहां घोषणा करेंगे इन 2.5 साल में काम पूरा हो जाएगा। अगर अपने राजसमंद का आप विकास चाहते हैं तो केवल कांग्रेस को वोट देकर तनसुख जी को चिता करके भेजें, आगे अगर आपकी भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो हमें नकार देना, यही बात कहनी थी। धन्यवाद, जय हिंद। अरे मैं आपसे निवेदन है कि आकर के अपनी बात रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, ASEC के महासचिव अजय माखन जी, डोटासरा साहब, आंजना जी, भाया जी, आदरणीय गिरजा व्यास जी, बामनिया साहब, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, हमारे विधायक रावत साहब, मंच पर सभी नेतागण, साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तनसुख बोरा जी के समर्थन में आज हम सब आपके बीच में आए हैं और आप सबसे निवेदन करने, नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, कि 17 तारीख को जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें आप सब अपना आशीर्वाद तनसुख बोरा जी को दें, कांग्रेस पार्टी को दें। राजस्थान में 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं था उपचुनाव होगा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ आती हैं और हमको एक बार पुनः अपना विधायक चुनना है। 17 तारीख को जो चुनाव होगा वो किसी सरकार को बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो देश और प्रदेश को दिखाने के लिए है कि भाजपा के शासन में देश में जो अपमान और पीड़ा किसानों को झेलनी पड़ रही है उसका लोगों में विरोध है। ये हमको मौका मिलेगा 17 तारीख को दिखाने के लिए। मैं आप सब से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम सब साथ ही मिलकर, जैसा आंजना जी ने कहा, इस जिले के विकास में पहले कोई कमी नहीं आई और मेवाड़ का इलाका हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है,
आप लोगों को चुनना है अगले 2.5-3 साल में कौन आपकी बेहतर सेवा कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, सब लोगों ने बहुत सोच समझ कर बोरा जी को आपका उम्मीदवार बनाया है। हम सब साथी सुबह सुजानगढ़ में थे, फिर साड़ा में थे और आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए कि सभी साथी 36 कौम के लोग 17 तारीख को कांग्रेस को वोट दें, हाथ के बटन पर निशान दबाकर कांग्रेस के बोरा जी को जिताएं ताकि सरकार में और मजबूती आए और अगले 2.5-3 साल तक आप लोगों की और सेवा करने का काम हम लोगों को ये अवसर प्रदान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। माकन साहब और मुझको उदयपुर जाना है, इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि 17 तारीख के चुनाव में कोई तेरा मेरा हमें नहीं करना, कोई जातिवाद में नहीं फंसना। कांग्रेस के निशान या हाथ का पंजा है, इस पर बटन दबाएं ताकि एक नेक इंसान जो बोरा जी हैं इनको आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। आप सबसे निवेदन कि 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के बोरा जी को जिताकर विधानसभा भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आपके आह्वान पर निश्चित तौर पर राज संबंध इस बार फतह होगा। हमारे मांगीलाल गुर्जर जी भी पूरी युवा टीम के साथ आए, सभी युवाओं का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे माकन साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आकर के अपनी बात रखें। परम आदरणीय गहलोत साहब, दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, तनसुख वोरा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, सचिन जी ने जैसे बताया हमें अभी उदयपुर फटाफट पहुंचना है, वहां से फ्लाइट दिल्ली के लिए पकड़नी है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। जब से परिसीमन राजसमंद के अंदर हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुन करके इससे पहले नहीं आई। केवल 2.5 वर्ष इस चुनाव के बाद में बचे। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सब लोगों को, यहाँ के निवासियों को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के वोटर्स को, वर्कर्स को केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि 2.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दे दें और यहाँ पर विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे, उस चीज को आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। और अगर 2.5 वर्ष के अंदर आपको कांग्रेस का काम पसंद नहीं आया, कांग्रेस के विधायक का काम पसंद नहीं आया, तो 2.5 वर्ष के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। आप उसके बाद जो मन आएगा करें, लेकिन ये 2.5 वर्ष कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को ये 2.5 वर्ष यहाँ पे राजसमंद के अंदर दे दें। और हम आपको यहाँ पे विश्वास दिलाते हैं, गारंटी देते हैं कि यहाँ पर विकास इस प्रकार से करा जाएगा कि आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो हम लोग आपको केवल एक बात को, केवल और केवल विकास के लिए यहाँ पर आप 2.5 वर्ष कांग्रेस पार्टी को वोट दें और उसके बाद विकास आप अपनी आंखों से यहाँ पर देखें। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, 4 तारीख के बाद में मैं खुद यहाँ पर आऊँगा और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हमारे यहाँ पर हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की संगठन के अंदर, हमारी सरकार के अंदर आप लोगों के जो भी अच्छे कार्य हैं वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप लोगों को यथाचित आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो जो लोग यहाँ पर अच्छा काम करेंगे, मन लगा करके काम करेंगे, ये भी मैं AICC की तरफ से आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद माकन साहब। आपने जब से राजस्थान की कमान संभाली है, युवाओं में जोश है, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। मैं धन्यवाद देता हूँ सचिन पायलट साहब को और अजय माकन साहब को कि आपने अपने संक्षिप्त संबोधन में वो सब कुछ कह दिया जो यहाँ की जनता चाहती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ आए हुए हजारों युवाओं को, जो युवा शक्ति ने यह विश्वास जताया है कांग्रेस के अंदर। अभी मांगू भाई और देवेंद्र भाई के नेतृत्व में सैकड़ों युवा आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम जिनको सुनने के लिए यहाँ आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि आपने प्रत्येक वर्ग को मान सम्मान दिया है। हमारी बहने बैठ जाए, अभी आपको बताना चाहता हूं, सारे समाजों के लोग आपका सम्मान करने के लिए लालायित थे। जैन समाज, पालीवाल समाज, गुजर समाज, माली समाज, जितने भी समाज हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हमने उसको शॉर्ट किया और कुछ मार्बल एसोसिएशन के साथी भी उनकी समस्या को लेके एक ज्ञापन दिया है, जो सहानुभूति पूर्वक आप उस पर विचार करेंगे
तो यह हजारों लाखों परिवार को फायदा मिलेगा। मार्बल एसोसिएशन को मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने कोरोना काल के अंदर इस राजस्थान की जनता को सर आंखों पर बिठाया। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी से निवेदन करूंगा कि आप आकर के आह्वान करें जनता को, और बताना चाहता हूं कि छोटी सी जगह के ऊपर आज भाजपा ने रैली करी थी, 800,000 लोग से ज्यादा लोग नहीं थे, और ये पहली बार ओपन मंच पे यहाँ पे रैली कांग्रेस के हुई है, वरना छोटी जगह पे हमेशा होती थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजसम्मत की इस उपचुनाव की नामांकन रैली में हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्मान्य तनसुख बोरा जी, मेरे साथी विधायक सुदर्शन रावत जी, गणेश गोगरा जी, कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष काका साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहेबान, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, तमाम मंच पे विराजमान नेतागण, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्तागण, मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज सब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तनसुख बोरा जी के नामांकन रैली में आप शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए आपने जो आज संकल्प लिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस उपचुनाव में सबसे विचार विमर्श करके राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं की मांग के ऊपर, उनकी इच्छा के अनुसार तनसुख बोरा जी जो एक समाज सेवी हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। आप सबको पता है कि हमें उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। स्वर्गीय हमारी किरण महेश्वरी जी जो हमारे साथ विधायक थी, पहले मंत्री भी थी, उनका कोरोना काल में निधन हो गया, लेकिन 2.25 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, आप सबको पता है कि जब आप सबके आशीर्वाद से जब कांग्रेस की राजस्थान में 2.25 साल पहले सरकार बनी थी, तब वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के गई थी। इसके बाद में जब 12 महीने तक हमारी सरकार ने उसको ठीक करने का काम किया, तो उसके बाद में कोरोना वैश्विक महामारी आ गई और आप सबने देखा होगा किस प्रकार हम घरों में कैद रहे, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, उसके मुखिया अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में प्रदेश के लोगों की सुध लेने का काम किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, आप सब भली भांति जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कोरोना काल में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने काम किया, मैं समझता हूं अन्य स्टेट्स को भी, अन्य राज्यों को भी उस प्रकार से काम करना चाहिए। अब की बार जो बजट आया, आपने देखा होगा राजस्थान में इतिहास में 70 साल में कभी इस प्रकार का शानदार बजट नहीं हुआ। चाहे मुख्यमंत्री 2 बार अशोक गहलोत जी पहले भी रहे, पहले भी 2 बजट आए, लेकिन अब की बार का जो बजट था आपने देखा होगा, इतना शानदार बजट किसानों को, गरीब को, सारे ग्रामीण क्षेत्र को, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तमाम चीज़ों में रियायतें देते हुए बजट दिया, और उसके साथ साथ ये कहा कि आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार का किसान के लिए कृषि का अलग से बजट देंगे। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, मैं समझता हूँ विश्व में नहीं, हिंदुस्तान में, विश्व में कहीं भी इस प्रकार का कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगा कि भी स्वास्थ्य बीमा योजना जिस प्रकार की राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पेश की है, इस सब का लाभ आम लोगों को मिले, विकास की आपके यहाँ गंगा बहे, सरकार की मजबूती आपके आशीर्वाद से ही संभव है। आपने देखा होगा किस प्रकार केंद्र की सरकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र करती है,
किस प्रकार से किसानों के साथ में भेदभाव करती है। आज जो तीन काले कानून केंद्र की सरकार लेकर के आई है वो किसानों को जबरदस्ती कानून पिलाने का काम कर रही है, जबकि वो किसान के फायदे का सौदा नहीं है, वो केवल प्रधानमंत्री जी के चंद उद्योगपति मित्रों का फायदा है। इसलिए आज देश में इस प्रकार का संकट मंडराने लगा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। संस्थाएं जो बहुत 70 साल तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल से बनाई थी उनको छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दी थी, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि किस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, और अगर कोई सरकार की किसी योजना में कोई कमी खामी है तो उस कमी खामी को बताने का काम करें, आपके बीच में रहें। कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया उनको साथ लिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम लोग ऐसे 3-4 हमारे विधायकों सहित कई सैकड़ों हमारे साथियों को कोरोना काल से नहीं बचा सके, लेकिन फिर भी हमारी चाहे मृत्यु दर हो चाहे हमारे टेस्ट की बात हो ये पूरे देश में सबसे शानदार रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना सर्वोच्च न्योछावर करके उन्होंने 2.25 साल पहले सरकार बनाई थी, अब 2.5-3 साल आपकी सरकार है, आपके लिए यहाँ विकास के काम हो, आपकी अच्छी अच्छी जो योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है उसका फायदा आम गरीब अवाम में ढाणी में छोटे छोटे टुकड़ों में बैठे हुए लोगों को भी मिले, और गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फायदा मिले, इसके लिए आपको सरकार को मजबूती देने के लिए यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तनसुख बोरा जी जो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं हमेशा आपके सुख दुख में भागीदार रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो चाहे शिक्षा संबंधी बात हो वो हमेशा आपने मदद करते रहते हैं। आज एक मौका आया है सरकार को मजबूती देने के लिए, और इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार मोदी जी और अमित शाह को बताने के लिए कि आप जो तानाशाही कर रहे हो, महंगाई कम नहीं कर रहे हो, महंगाई का वादा करके कम करने का वादा किया था आज कम नहीं कर रहे हो, आप किसानों को परेशान कर रहे हो, 120 दिन से ज़्यादा हो गए लेकिन किसान की सुनने वाला नहीं है। आज ईडी के छापे आप देख सकते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग ये आम बात हो गई है। 4 चुनाव होने थे लेकिन आप सब इस बात के गवाह हो कि 3 ही उपचुनाव हो रहे हैं, 1 उपचुनाव जानबूझ के डाटा गया है। आप समझ सकते हो किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये समय है, ये मौका है, आप सरकार का सहयोग दें, सरकार के हाथ मजबूत करें, और अगर सरकार मजबूत होती है तो आपके यहाँ विकास की गंगा बहेगी, आपके व्यक्तिगत काम भी होंगे, किसान भी खुशहाल होगा, नौजवानों को बेरोजगारों को भी नौकरी मिलेगी, माताओं बहनों के लिए भी अच्छी अच्छी योजनाएं आने की बात है। तो मैं समझता हूँ तू कि आज ये मौका है, 1-2.5 साल के लिए आप जैसे अजय माकन जी ने कहा है कि आप एक मौका देख करके देखिए, एक नई बाहर लाइए। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के अच्छा प्रदेश के चौमुखी विकास भी करेंगे, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी करेंगे, और राजसम्मत जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एक महिला कॉलेज किरण महेश्वरी जी, चाहे वो पार्टी भाजपा की थी लेकिन इनके संवेदनशीलता को आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ की जनता को लाभ देने के लिए बालिकाओं की शिक्षा अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए महिला कॉलेज भी खोल दिया है। अनेकों योजनाएं आप सबके सामने हैं, प्रदेश में आने वाला समय अच्छा हो, यहाँ विकास की गंगा बहे, इसके लिए आप और हम सब मिलकर के आज ही से लगें, कांग्रेस को मजबूत करें, और आने वाली 17 अप्रैल को जो मशीन के ऊपर हाथ का निशान होगा उसका बटन दबा करके आदरणीय तनसुख बोरा जी को यहाँ से विधायक बनाएं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि यहाँ पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा काम होंगे, विकास के काम होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब लोग आए काफ़ी देर से बैठे हो, हम लेट हो गए, आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है, आदरणीय माकन साहब सचिन पायलट जी यहाँ, क्योंकि उनके 6:15 बजे फ्लाइट थी इसलिए वो जा चुके हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने और आशीर्वाद देकर के यहाँ से तनसुख बोरा जी को 17 अप्रैल के चुनाव में जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने हमारा सम्मान किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी,
अब हमारे गरीबों के मसीहा, आम जनता के दिलों में राज करने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी आए उस और हमारे आम जनता को संबोधित करें। आपको बताना चाहता हूं साहब, 12 बजे से ये जनता आपके दीदार के लिए यहां पे बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोनेदा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, हमारे माननीय मिनिस्टर प्रमोद जैन भाई साहब, जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर जी, प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, लक्ष्मण सिंह रावत साहब हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पूर्व मंत्री और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार तंत्रक बोरा जी, सुदर्शन सिंह रावत जी विधायक, गणेश गोगरा जी विधायक डूंगरपुर, दिनेश खुडनिया जी जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, हमारे पूर्व साथी पूर्व विधायक गणेश जी परमार, नारायण सिंह जी भाटी साहब पूर्व जिला प्रमुख, हरी सिंह राठौड़ साहब, शांतिलाल जी कोटारी ब्लॉक अध्यक्ष, सुंदर सिंह जी कुमावत साहब ब्लॉक अध्यक्ष राजसमंद, अशोक जी टाक सभापति नगर परिषद, सुनीलाल जी पंचोली उप सभापति, आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान, कमलेश जी जाट उप प्रधान रेल मगरा, वैभवराज सिंह जी चौहान उप प्रधान कमनौर, श्रीमती कृष्णी गमेती जी बील प्रधान साहिबा दलवाड़ा, रामेश्वर जी खटीक और हमारे पूर्ण साथी पूर्व विधायक भाई बंशीलाल जी गहलोत, मदनलाल जी चौहान पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुण सागर जी कर्णावत, श्रीमती आशा जी पालीवाल, नारायण जी सितार और अग्रिम संतों के तमाम पदाधिकारी का, अर्जुन जी भामणिया भी आए हुए हैं, बहुत नेतागण उपस्थित भाई और बहनों नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज राजभवन में आप सब से मिलने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि उपचुनाव है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको बताई, किस रूप में बहन किरण महेश्वरी जी का देहांत हो गया, इस कारण से उपचुनाव की नौबत आई है और हम सब यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तंतु जी बोरा, जिनको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने हम सबकी सलाह से इनको कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है और ये आपसे अपेक्षा की है कि राजसमंद की जनता इस बार एक बार जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे और अजय माकन जी ने कहा आपको, एक बार मौका दे के देखे कांग्रेस को, जिससे कि बंशीलाल जी गहलोत के बाद में कोई कांग्रेस ने जीत नहीं पाया यहाँ पर उम्मीदवार। अगर आप मौका देंगे इनको, 2.5 साल का मामला है, आपके सामने एक अवसर आएगा 2.5 साल के बाद में। तंतु बोरा जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होंगे तो हम सब आपको ये विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हुए हैं यहाँ पर कि आपके विकास में, आपके सुख दुख में भागीदार बनने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और सरकार जिस प्रकार से 2 साल 2.5 साल से काम कर रही है, 1 साल तो पुराना कोरोना में निकल गया और कोरोना के अंदर भी राजस्थान पूरे देश के अंदर सबसे आगे रहा, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ बहुत कम रही, 1% से कम रही मृत्यु दर, ठीक होने की रेट सबसे ज़्यादा रही और सारे आधारभूत संरचना जो है, चाहे वो टेस्टिंग के लिए पहले जाना पड़ता था पूना हम लोगों को दिल्ली, अब 70,000 टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन की प्लांट लगाने की बात हो, ऑक्सीजन की लाइनें खींचने की बात हो अस्पताल के अंदर, कहने का मतलब कि दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन फ्री, राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ पर पूरी तरह इलाज फ्री रहा कोरोना मरीजों का। इस प्रकार से 1 साल उसमें निकल गया, फिर भी हमने इस बार जो बजट पेश किया है वो आपके सामने है। हमने करीब 100 से ज़्यादा कॉलेज खोल दी राजस्थान के अंदर, हमने महिला कॉलेज अभी किरण महेश जी के नाम तो खुली खुली है,
चारों विधायकों के नाम खोली हैं, क्योंकि ये चारों साथी हमारे विधानसभा में थे, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, पर चारों साथी अभी जाने का वक्त नहीं था इनका। उसके बाद में भी अचानक ही कोरोना के कारण से चले गए, एक हमारे मास्टर बमलाल मेघवाल बीमार हुए और वो भी चले गए। हमने चार कॉलेज खोली, परंतु आगे के लिए जो घोषणा की हमने अभी बहुत महत्वपूर्ण है, वो घोषणा ये की है कि क्योंकि महिला का सशक्तिकरण हो, महिला पढ़े लिखे, इसलिए हमने कहा है कि राजस्थान में किसी स्कूल के अंदर, ट्वेल्थ के अंदर जब 500 लड़कियाँ होगी पढ़े के लिए, क्योंकि माँ बाप भेजते नहीं बड़े शहरों में लड़कियों को स्कूल के बाद में, हमने कहा 500 लड़कियाँ जिस स्कूल में होगी उन स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमारी घोषणा है अभी की। इस प्रकार कई घोषणाएं करी है, अभी वक्त नहीं कि मैं उन घोषणाओं में जाऊँ। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि किसानों के लिए भी हमने कहा कि 1000 रुपये प्रति माह, पहले वसुंधरा जी ने 832 रुपये किए थे, 10000 रुपये प्रति वर्ष किए थे चुनाव के वक्त में, पर कोई प्रोविजन नहीं किया था बजट के अंदर, इतनी योजना बंद हो गई। अभी मैंने बजट में कहा किसानों को हम लोग 10-12 हज़ार रुपये देंगे प्रति वर्ष, 1000 रुपये प्रति माह देंगे, वो आपका शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा वो वाला भी। कोरोना के अंदर हमने 35 लाख लोगों को घर बैठे हुए, क्योंकि वो इतने मजदूर थे या डेस्टिट्यूट थे, ठेले वाले थे, सुबह शाम कमाते थे और खाते थे, और लॉकडाउन हो गया सब जगह पूरे देश के अंदर, तो वो क्या करते। तो हमने 35 लाख लोगों को, वैसे तो लाखों लोगों को हमने गेहूँ और दालें वितरित की, वो अलग बात है, 35 लाख लोगों को हमने 3 बार उनके बैंक खाते में 1-1 हज़ार रुपये, 1000, फिर 1000, फिर 1500 रुपये डाले उनके खाते के अंदर। और अभी मैंने और बजट में कहा है कि अभी तक और कोरोना चल रहा है, 2 बार और उनको मिलेगा, एक तो किस्त में कल परसों महीने लग जाएगी 1000 रुपये की प्रति व्यक्ति, 35 लाख लोगों को मिलेगी किस्त मिलेगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी बहुत बड़ी योजना ले जाए हैं, शायद आपको मालूम पड़ा होगा कि जो स्वास्थ्य बीमा होता है 5 लाख रुपये तक का इलाज जो फ्री हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे सरकारी हो, उसके अंदर जो पहले योजना चलती थी 3 लाख वाली भामाशाह योजना और केंद्र सरकार की अलग योजना थी, उन दोनों को मिला दिया, परंतु अब हमने नवाचार किया है पूरे देश के अंदर, एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर हमने पूरी प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा किया जा रहा है। कल से, परसों से, 1 तारीख से तमाम राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका खाद्य सामग्री में रजिस्ट्रेशन पहले से ही, उनको करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना फ्री के अंदर, और उनका पूरा परिवार का 5 लाख रुपए का खर्चा सरकार वहन करेगी और वो इलाज करवा सकेंगे पूरे परिवार का। ये अभी हमने घोषणा करी है, परसों से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, और 1 मई मजदूर दिवस जो है 1 महीने बाद में, उस दिन से लागू हो जाएगा, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ, आपके सामने करना चाहता हूँ। और उसका पूरा जो है करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च होगा उसके ऊपर, केंद्र सरकार 300-400 करोड़ मुश्किल से देगी, बाकी पहला स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। तो हमने कहा क्योंकि हमने 6 साल पहले जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने दवाएँ फ्री करी थी, टेस्ट फ्री किए थे, मेडिकल में हम लोग बहुत आगे हैं देश के अंदर, यही सोच के हमने कहा कि हम लोग और आगे बढ़े और हमारा प्रदेश में बीमारियाँ हो ही नहीं। मेरे भी राजस्थान की योजना अलग चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि आदमी बीमार पड़े नहीं, उस ढंग की व्यवस्था हो, गांव-गांव में सब सेंटर, PHC, CHC बड़े रूप में खोली गई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं कई जगह पर, उप जिला के अस्पताल बनाए गए हैं। तो मेडिकल में हम लोग CT स्कैन, MRI फ्री होते हैं बुजुर्गों के, ये पहले से हो रहा था। अब जो ये बीमा होगा 5 लाख का, 1 मई से शुरू हो जाएगा, आप लोग सब रजिस्ट्रेशन करवाएं, 10 दिन तक चलेगा कैंप, उसके बाद में आप अपने घर पे कंप्यूटर से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, या ई मित्र में जाएंगे तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बंद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। और जो पैसे वाले हैं
उनको भी सिर्फ 850 रुपये देने पड़ेंगे, उनके 5 लाख का बीमा होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कई योजना हमने लागू करी है, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ अगले साल जो हम लोग किसान बजट अलग ला रहे हैं उसमें किसानों के लिए अलग से योजनाएं बनेगी, खाद की, बीज की, दवाइयों की, जो भी सुविधा मिल सकती हो किसानों को। जिनको बिजली देने की बात थी, बड़ी मांग थी चित्तौड़ के अंदर इस जगह 15 जिले से जहाँ बिजली जिनको मिलने लग गई है, बाकी जिले में भी काम चल रहा है GSS का, उसके बाद में वहाँ पे भी जिनको बिजली मिलेगी। रात को जो कष्ट पाते थे किसान, रात भर ठंड में उनको पान करनी पड़ती थी, पिवाई करनी पड़ती थी, उसे छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कई अनेकों फैसले किए हैं, वो आप बजट की कॉपी देखेंगे इंटरनेट पर, अखबार में आया होगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का इतिहास भी आपके सामने है, चाहे भले अभी हम केंद्र में सरकार में नहीं है, पर आज जो कुछ दिख रहा देश के अंदर, जहाँ देश आज़ाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी, यहाँ पर हम गुलाम थे अंग्रेजों के वक्त के अंदर। किस प्रकार से हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी के ज़माने में, उनके सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे या डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। आज 70 साल हो गए हम लोग एक अखंड रहे हैं देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी परंतु खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब अलग नहीं होने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। बहुत लंबा इतिहास है और मेवाड़ का इतिहास भी बहुत शानदार है, मारवाड़ का भी शानदार है, सब जगह पर, चाहे हड़ौती हो, चाहे वो मस्सई हो, चाहे वो आपका मेवाड़ हो, अजमेर हो, कोई भी हमारा संभाग हो, बीकानेर हो, सब जगह आपको फ्रीडम फाइटर्स मिलेंगे, जो कि उस जमाने के अंदर जेलों में भी गए, अंग्रेजों की और राजा महाराजों का जमाना था, सामंतों का शासन था, तब भी उस जमाने के अंदर भी वो बिना कोई परवाह किए हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उस वक्त में मैंने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप भी किसी राजसमंद नहर पर पानी के जाल में उतरे थे। मोदी जी तो अभी चुनाव के वक्त में आपने देखा होगा, मैं इंचार्ज था गुजरात का उस वक्त में, मोदी जी अहमदाबाद के अंदर पानी का जहाज होता है, हवाई जहाज पानी में उतरता है, उससे उतरे थे वो। परंतु आज़ादी के पहले उदयपुर जाना था पंडित नेहरू को, इस राजसमंद झील पे उतरे थे पानी के जहाज को जमाने कर, वही झील जिसकी आप चर्चा करते हो, पानी भरी रहनी चाहिए। मेरी भी इच्छा है राजसमंद झील हमेशा पानी से लबालबा भरी रहे, मैं भी चाहूँगा, आप सब चाहूँ। ताली जोड़ना बजाओ, ताली जोड़ना बजाओ, राजसमंद झील के पूरा पानी फैलाने के उपलक्ष में। और इसके लिए मुझे कहा गया कि नंद समंद से पानी आता भी राजसमंद झील के अंदर। बागेली के नाके जाता पानी, बागेली के नाके से पानी जाता नंद समंद के अंदर। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद में, 20 साल पहले, और गुलाब सिंह सत्तावर साहब मेरे मंत्री थे, डॉक्टर सीपी जोशी जी मंत्री थे। उस जमाने में सीपी जोशी जी ने कैबिनेट के अंदर इस मामले को उठाया, बागेली के नाका का जो आज बांध बना हुआ है आपका, उस वक्त मैं ही आया था यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए, सत्तावर साहब ही मौजूद थे उस जमाने में, ये भागेरे नाका बना। आज जब वो ओवरफ्लो होता है वो पानी जाता है नंद समंद में जाता है, वो पानी राजसमंद में आता है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, देखा कि नंद समंद क्या राजसमंद की झील में पानी काफ़ी पानी है, परंतु काफ़ी पानी कभी कभी आता होगा। मैं चाहूँगा कोई तरीका निकले, इसका हम लोग एस्टिमेट बनवाएंगे और सर्वे करवाएंगे किस प्रकार राजसमंद का पानी भरा रहे। टूरिस्ट आए यहाँ पर, आपके यहाँ टूरिस्ट भी आए यहाँ पर, और जिस रूप में धार्मिक स्थल है यहाँ पर आप जानते ही हैं, गुजरात के कितने लोग आते हैं नाथद्वारा के अंदर दर्शन करने के लिए,
तो ये पानी भर जाएगा तो और चहल पहल होगी, आपको सुविधा मिलेगी और हम लोग जो भी योजना ला रहे हैं, चाहे पानी की हो, जल जीवन मिशन की हो, बिजली की योजनाएं हो, कोई कमी नहीं रख रही। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर, सड़कों में तो जब सी पी जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, आज जो आपके शानदार सड़कें बनी हुई है कांगरौली से भीलवाड़ा, गोमती चौराहे से उदयपुर की, आज देख कर ये शानदार है। बाहर जब कोई आता है तो लगता है कि जैसे कोई वो विदेश में घूम रहा हो। इस प्रकार की शानदार आपके नेशनल हाईवे बनी है, चाचल लेन की आप सबकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आज़ादी के बाद में जो मोहनलाल सुखाड़ा साहब थे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, सिंघानिया जी जो अपने यहाँ के थे, राजस्थान के थे, जो लोग शेखावटी गए हैं हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े घराने, उसमें उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की था, देखिए जेके फैक्ट्री लगी यहाँ पर, कितने लोगों को रोजगार मिला, उसके बाद में कोई बड़ा काम यहाँ तो हुआ भी नहीं। तो इस प्रकार से जब आपके मुख्यमंत्री स्वयं के थे, एक काम हुआ, बागेड़ी का नागे काम हुआ, आगे भी आने वाले वक्त में जो भी आप सुझाव देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे राजसमंद जिले में, चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे वो आपका भीमदेवगढ़ हो, चाहे नाथद्वारा हो, चाहे राजसमंद हो, जिले में कैसे विकास हो। और माइनिंग का काम बहुत बड़ा यहाँ पर चल रहा है, उसके कारण 30-35 साल से आपको कुछ लाभ मिला है, वरना उसके पहले तकलीफ थी जिले के अंदर, इस बात का एहसास भी हो जाए। इधर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो जमाने नेता थे हरदेव जोशी जी थे, बांसवाड़ा में फैक्ट्री लगी टेक्सटाइल की, तोसावाड़ा के द्वारा काम हुआ है, भीलवाड़ा के फैक्ट्री लग गई कई जगह पर, तो आज कई जगह काम हुए थे और कई काम बाकी भी है। अब आपके नेशनल हाईवे आ गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के किस प्रकार मेवाड़ का और तेज गति से विकास करें, औद्योगिक एरिया नए नए बने, औद्योगिक इकाइयाँ आए, रोजगार मिले। अभी हमने करीब 80-85 हज़ार नौकरियाँ दी है बच्चों को, 70 हज़ार नौकरियों का पैकेज चल रही है। तो लगातार हम चाहेंगे कि किस प्रकार से जो वादे किए आपसे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने, उन वादों को हम निभाएँ और मैनिफेस्टो को आधार बनेगी काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा, एक बार मौका दीजिए कांग्रेस को, कांग्रेस के उम्मीदवार को, वो छत्तीसगढ़ कौम को साथ लेकर चलेंगे। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके सुख दुख में काम आएंगे और आप इनको मौका देंगे। इतना मैं कह सकता हूँ, मैं स्वयं और अध्यक्ष जी और जितने नेता बैठे हैं, विशेष रूप से उपचुनाव है, उपचुनाव जीतना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर और बीजेपी जीतती है तो 52 सीटों के पास में एक सीट बढ़ जाएगी उनके पास, 73 हो जाएगी। तो कांग्रेस जीतती है तो संदेश जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में माई बाप आप लोग हो, जनता माई बाप होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है तब जा कर के वार्ड पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी बनते हैं और सरकारें बनती हैं। अगर आप जीताओगे, पूरे प्रदेश गांव गांव में सरकार के कर्मचारियों में, अधिकारियों में, जनता में लगेगा कि सरकार बहुत मजबूती के साथ में खड़ी है, क्योंकि जनता इनके साथ खड़ी है। तो मजबूती से जो हमारे सपने जो हैं आपके लिए, जनता के लिए, विकास के लिए, उनको मजबूती से पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तीनों सीटें कांग्रेस जीते, एक मैसेज जाए और उन लोगों में से भी जाए जो लोग सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रहे थे, जिस रूप में मालूम है आपको कितना बड़ा तमाशा हुआ, बीजेपी ने तमाशा किया सबके सामने, किस प्रकार से उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। पूरे प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार कांग्रेस की मजबूती से काम करती रहे, और वही आपकी ताकत थी कि हमने उनको शिकस्त दी, बीजेपी के हथकंडे जो थे उनको हमने फेल कर दिया, और सरकार आज मजबूती के साथ में आपके साथ खड़ी है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा आने वाले वक्त के अंदर भी
इनकी हिम्मत तो नहीं हो बीजेपी वालों की। आप देखते हो जो बयान केंद्रीय मंत्रियों के भी, राजस्थान के नेताओं के भी, हमारे गुलाब सिंह कटारिया जी बोलते रहते हैं कि सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। अब आप सोचो कि नेता प्रतिपक्ष बोलता है सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, तो 6 महीने तो मेरे ख्याल से होने ही वाले होंगे। उनकी जो भविष्यवाणी है वो आपके सामने है। इधर मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सबकी भविष्यवाणी को फेल कर दो और एक बार मौका दो कांग्रेस की 3 सीटें जिताओ और आप फिर देखो हम लोग आते रहेंगे आपके बीच में। जब आपने एक नई शुरुआत करी है, नई जगह मीटिंग कर रहे हो, पुष्पेंद्र कह रहा था छोटी जगह मीटिंग करते थे पहले, हमारी भी गलतियाँ रही होगी, हम लोग मेरे नेता कम आए होंगे यहाँ पर राजसमंद में, इसलिए हो सकता है कि उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। पुरानी गलतियाँ माफ़ करो, नए सिरे शुरुआत करो। जितने नेता बैठे हुए यहाँ पर, हम खुद आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्री लोग आएंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। और जो जिला हेडक्वार्टर राजसमंद है, जिला हेडक्वार्टर का एहसास आपको करवा देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोगों में बहुत जोश खरोश है। हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए कई योजना लेके हम आए हैं। मैं चाहूँगा कि हम आपके आशीर्वाद से कामयाब हो आने वाले वक्त में। अभी आपने नगर परिषद चुनाव जीता आपने, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता था कि राजसमंद में नगर परिषद में कांग्रेस जीतेगी। लोग मानते थे राजसमंद से कांग्रेस जीतेगी भी नहीं, पर आपने जिता दिया कांग्रेस को राजसमंद नगर पालिका परिषद में, उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सबका। इस बार 1.5 साल के लिए आप मौका दोगे तंतु बोरा को। तंतु बोरा से मैंने बात करी, मैं तो पहले इनको जानता नहीं था, परंतु इनकी बातों लगा कि मैं जज्बा है, काम करना चाहते हैं और आपके लिए सेवा का संकल्प है और ये हमेशा समाज के साथ खड़े रहे हुए हैं विकास के अंदर भी। एक मौका इनको मिलेगा तो इनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि 2.5 साल में ये क्या काम करते हैं। 2.5 साल कल निकल जाएंगे, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोग सब पधारे हो, सुबह से बैठे हुए हो, फिर भी आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आपसे बराबर मिलना जुलना होता रहेगा। तो आपकी जो भी समस्या है यहाँ पर, चाहे माननीय एरिया की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो, जेके मिल की हो, जो भी समस्या आएगी हमारे सामने, हम टॉप प्रायोरिटी से उनको हल करने का प्रयास करेंगे, ये वादा करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बोलो चार पूजा नाथ की, बोलो श्रीनाथ जी भगवान की, बोलो द्वारकाधीश महाराज की। जगदीश पालीवाल जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, और अब हमारे यहाँ आम जनता के दिलों के राज करने वाले प्रमुख समाज सेवी तनसुख बोरा जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, सबका आभार व्यक्त करेंगे यहाँ मंच पर आकर के। तनसुख जी, जो चाहे गौ सेवा का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने के मामले हो, आम जनता के लिए स्कूलों में हमारे बच्चों की सेवा करने के मामला हो, एक जन सेवक को यहाँ राजसमंद की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने माननीय अशोक गहलोत जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, सीपी जोशी जी के आशीर्वाद से सेवा करने के लिए उतारा मैदान में। अब तनसुख बोरा जी अपनी 2 बात आपके सामने रखेंगे।